आज हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं कैप्टन मार्वल ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले इस कहानी के शुरू में एक प्लेनेट दिखाया जाता है और इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को क्री कहा जाता है जहाँ पर वेयर्स नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह जख्मी होती है तभी उसको बुढ़ी औरत नजर आती है इससे पहले उसको कुछ समझ आता वो बहुत ज्यादा धुआं देखती है और तभी धुएं से एक आदमी निकलता है और वो उसकी तरफ गन करता है वेर्स का उसको चेहरा नजर नहीं आता और अगले टाइम में वियर्स की आँख खुल जाती है दरअसल वो एक ख्वाब देख रही थी वेर्स को ये ख्वाब बार बार नजर आता है क्यूँकी वो इस दुनिया की नहीं है इसलिए इसको नींद भी बहुत कम आती है और साथ ही वो जिंदगी की पिछली यादों को भी भूल चुकी है अब फेयर्स यहाँ पर एक आदमी के पास जाती है जो कि इस प्लेनेट का कमांडर है वो वेयर्स को लड़ना भी सिखाता है और इसके बाद वो वेयर्स को सुपर इंटेलिजेंस से मिलवाने जाता है जो कि इस पूरे प्लेनेट को देखती है वो प्लेनेट का लीडर वेयर्स को बताता है कि इस प्लेनेट की सुपर इंटेलिजेंस का कोई चेहरा नहीं जो चेहरा तुम्हारे दिमाग में होता है जिसके बारे में तुम बार बार सोचते हो वो उसी शक्ल में तुम्हारे सामने आती है अब वियर्स उस जगह जाती है जहाँ पर वो सुपर इंटेलिजेंस थी वो वेयर्स के सामने उसी बुरी औरत की शक्ल में आती है जो बार बार उसको ख्वाब में नजर आती है वो वेयर्स को बताती है कि हमारे लोग और हमारा प्लेनेट खतरे में है एलियन स्क्रल्स जो कि एक एक करके मुख्तु प्लेनेट पर कब्जा करते हैं जो किसी भी शक्ल में आ सकते हैं वो हमारे प्लेनेट पर कब्जा कर सकते हैं और हमारे प्लेनेट को खत्म कर सकते हैं हमें उन एलियन स्क्रल्स को खत्म करना होगा इसके बाद वेयर्स ग्री की आर्मी के साथ और उनके कमांडर के साथ उस प्लैनेट पर निकल पड़ती है जहाँ पर स्क्रल्स थे प्लैनेट का लीडर वेयर्स को बताता है कि एक जासूस जो कि पिछले तीन साल से एलियन स्क्रल्स के कब्जे में है उनके बीच में है और हमें किसी भी कीमत पर उसको उनसे बचा कर लाना होगा ये सब के सब उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं वेयर्स उस जासूस तक पहुँच जाती है जिसे वो सब लोग यहाँ से लेने आए थे वेयर्स उससे एक कोट पूछती है और वो उसको बता देता है तभी वेयर्स को बताया जाता है कि स्क्रल्स ने उनकी आर्मी पर हमला कर दिया है और जैसे ही वो जासूस समझ रही थी और जिसे वो जासूस समझ रही थी वो दरअसल स्क्रल्स का लीडर था जिसने अपना रूप बदला हुआ था वो एलियंस गर्ल्स वियर्स को बेहोश करके अपने शिप में ले जाते हैं जहाँ पर वो एक मशीन की मदद से वियर्स के दिमाग पर उनकी पुरानी यादों को जानना चाहते हैं, जिनके बारे में वियर्स खुद भी भूल चुकी है उसे पता चलता है कि वियर्स पहले अर्थ पर थी वो एक पायलट थी यहाँ पर उसके साथ एक और लेडी होती है और ये वही लेडी होती है जो वियर्स को बार बार ख्वाब में नजर आती थी एलियन का लीडर इसके बारे में जानना चाहता था कि वो अपने लोगों से लोकेशन को पता लगाने का कहता है कि ये कहाँ जा रहे हैं लेकिन इनसे पहले ये ऐसा करते वियर्स अपने सेंसेस में वापस आ जाती है वो अपने आप को आजाद करके उन स्क्रल्स पर हमला कर देती है वो उससे पूछती है की तुमने मेरे दिमाग में क्या डाला वो कहता है की मैंने तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं डाला ये सब कुछ पहले से तुम्हारे दिमाग में है मैं सिर्फ उस डॉक्टर और लाइट स्पीड इंजन के बारे में जानना चाहता हूँ तुम्हें अपने माजी के बारे में कुछ पता नहीं है तुम ग्रीकी लोगों की बातों में फंस चुकी हो और यहाँ पर जितने भी एलियंस होते हैं वो वेयर्स पर हमला कर देते हैं इस बीच स्पेस शिप में खराबी आ जाती है तभी सभी एलियंस वहाँ से भाग जाते हैं और वेयर्स का जो स्पेस शिप था वो अर्थ पर जाकर क्रैश हो जाता है यहाँ अर्थ पर आने के बाद वेयर अपने लोगों को बताती है कि वो अर्थ पर है और वो जल्दी आकर उसको यहाँ जाएं। वो कहते हैं कि हमें वहां आने में घंटे लगेंगे। तुम्हें हमारा इंतजार करना होगा अब यहाँ पर वो दो एजेंट आ जाते हैं और वेयर्स के बारे में पूछने लगते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो ट्री से है और वो स्क्रल्स को खत्म करना चाहती है हालांकि उन दोनों एजेंट्स को उसकी बातों को समझ नहीं आती और तभी वेयर्स को एक नजर आता है वो उसका पीछा करने लगती है जो कि अपना चेहरा बदलकर ट्रेन में बैठ जाता है लेकिन वेयर्स उसको पहचान लेती है उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और तभी एलियन के पास से एक मेमोरी डिवाइस गिरती है ये वही मेमोरी डिवाइस होती है जिसमे वेयर्स की यादें थी और वो स्क्रल यहाँ से भाग जाता है अब वहीं पर वो दो एजेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से ट्रेन का कर रहे थे पर तभी उसको एक कॉल आती है और ये कॉल होती है उसके साथी यानी दूसरे एजेंट की इसका मतलब जो इसके साथ कार में था वो उसका साथी नहीं था बल्कि एक स्क्रल था जो कि अपना चेहरा बदल कर उसके साथ बैठा था तभी वो एजेंट जान बूझ कर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेता है जिसमे वो स्क्रल मारा जाता है और उस एजेंट की आँख पर चोट भी लग जाती है अब वो एजेंट स्क्रल को एक लैब में ले जाता है जहाँ पर उसका बॉस भी आता है उसका बॉस उसको इस मिशन पर काम करने का कहता है और सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी इसका पता किसी को ना चले ये खुफिया मिशन होगा वहीं हम वेयर्स को देखते हैं वो उस मेमोरी डिवाइस को जो कि इस स्क्रल के पास से मिला था जब अपने हाथ के गैजेट में डालती है तो उसमें एक बार का नाम आता है अब वियर्स जब के उस बार में जाती है उसको अपने माजी की कुछ यादें दिखाई देती है दरअसल वो पहले भी यहाँ आ चुकी थी और अब यहाँ पर वो एजेंट भी आ जाता है ये दोनों यहाँ पर एक एयरबेस की तस्वीर को देखते हैं इसलिए वो इस एयरबेस तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो एजेंट वहां के सिक्योरिटी को अपना कार्ड दिखाता है अब यहां पर इन दोनों को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां से ये दोनों एक बहुत बड़े स्टोर में जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी खुफिया फाइल्स होती हैं यहां पर एक फाइल उसी डॉक्टर वेंडी लोसन की भी होती है जिसमे उस डॉक्टर के बारे में और लाइट स्पीड इंजन के बारे में कुछ नोट्स होते हैं ये नोट्स उसने मुख्तफ जुबानों में लिखे हुए थे अब वेयर्स को समझ आ जाती है की डॉक्टर वेंडी लोसन え एक क्री थी न की एक इंसान उसकी फाइल पढ़कर कर वेयर्स को पता चलता है कि कुछ साल पहले लाइट स्पीड इंजन लेकर यहाँ से भाग गई थी उनके साथ एक और पायलट भी थी डॉक्टर लोसन वही है जो वेर्स के ख्वाब में आती है यहाँ पर एजेंट को दिखाया जाता है वो अपने बॉस को बताता है कि वो वेयर्स के साथ एक एयरबेस पर है उस एजेंट का बॉस जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है और जब वो उससे बात करता है तो उस एजेंट को समझ आ जाता है कि ये उसका बॉस नहीं है बल्कि एक स्क्रल है जो कि उसके बॉस की शक्ल में वियर्स को यहाँ पर पकड़ने आया है अब वो एजेंट यहाँ पर उसको बातों में लगा कर वहाँ से चला जाता है पर वो स्क्रल उसे एक बार फिर वहाँ पर पकड़ लेता है इससे पहले वो इस एजेंट को मारता वहाँ पर वियर्स आ जाती है और उस एलियन पर हमला कर देती है और उस एजेंट को यहाँ से एक प्लेन में ले जाती है अब ये दोनों उस दूसरी पायलट के घर पर पहुँचते हैं

उसमें तुम भी मारी जा चुकी हो पर तुम अब भी जिंदा हो लेकिन वेयर्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं और उसको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता और न ही उसे इस लड़की के बारे में पता होता है जो की उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बता रही थी अब यहाँ पर हम देखते है की स्क्रल्स का लीडर आ जाता है और अब वो उसको कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ना नहीं चाहता मैंने पिछली बार तुम्हें कैद किया था मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था पर मैं तुमसे अब बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें उस शाम की रिकॉर्डिंग सुनवाना चाहता हूँ जिस शाम तुम डॉक्टर लॉसन के साथ उस फाइटर प्लेन में थी इसके बाद वो स्क्रल उसको रिकॉर्डिंग सुनवाता है जिसमें डॉक्टर लॉसन वियर्स को एक लोकेशन बताती है और कहती है कि हमें इस लोकेशन पर जाना है यहाँ पर मेरी लैब है और अब सब कुछ वियर्स को याद आ जाता है और अब उसे याद आता है कि उस रात वो डॉक्टर लॉसन के साथ लाइट स्पीड इंजन लेकर उनके लैब जा रही थी और यहाँ पर तभी उन पर कोई हमला कर देता है जिससे उनका फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें डॉक्टर लॉसन बुरी तरह जख्मी हो जाती है और वो वेयर्स को बताती है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके मैं अर्थ से नहीं हूँ बल्कि एक प्लेनेट से हूँ मेरा असली नाम मार्वल है अब तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा ये जो लाइट स्पीड इंजन हमारे साथ है ये एक पावर सोर्स है ये किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए इससे पहले वो इसे डिस्ट्रॉय करती उन्हें कोई वहां पर गोली मार देता है जिससे वो डॉक्टर मार्वल मर जाती है अब ये वही सीन था जो वियर्स को बार बार ख्वाब में नजर आता है जिसमें एक आदमी उसकी तरफ गन करता है मगर वो कभी भी उस आदमी की शक्ल को नहीं देख पाती पर अब उसे उसकी शक्ल नजर आने लग जाती है और ये तो वही ग्री प्लान का लीडर था जिसे वियर्स अपना दोस्त तो समझ रही थी वो वियर्स से एनर्जी सोर्स के बारे में पूछता है पर वियर्स जानती थी कि ये एनर्जी सोर्स किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए यहाँ पर वियर्स उस एनर्जी सोर्स पर फायर करती है जिससे उस एनर्जी सोर्स से बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी सारी पावर्स वियर्स के अंदर चली जाती है अब उस प्लैनेट का लीडर वियर को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसको इसी एनर्जी की जरूरत है कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है अब यहाँ पर स्क्रल्स का लीडर वियर्स को बताता है की वो एक गलत प्लेनेट का साथ दे रही है जो की गलत है इसीलिए वो लाइट स्पीड इंजन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी ग्रीक के लोगों ने हमारे प्लानिट को खत्म कर दिया है जब हम लोगों ने उसके सामने हार नहीं मानी तो उन लोगों ने हमारे प्लेनेट को बिल्कुल तबाह कर दिया इसीलिए हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर पनाह लेते हैं वो उसको बताता है डॉक्टर लॉसन यानी मार्वल ने जिस एनर्जी सोर्स को ढूंढा था वो किसी भी प्लैनेट को एक पिछले की रफ्तार से ज्यादा तेज चला सकता था जहाँ पर ग्रे की आर्मी कभी भी ना पहुँच पाती वो चाहती थी कि तुम एनर्जी सोर्स को ढूंढने में हमारी मदद करो लेकिन बियर्स उसको कहती है कि मैंने तो उसको खत्म कर दिया था तो स्क्रल का लीडर बियर्स को बताता है कि तुमने सिर्फ इंजन को खत्म किया था लेकिन एनर्जी सोर्स अभी भी उनके लैब में है जिस लैब की लोकेशन डॉक्टर मार्वल ने तुम्हें बताई थी वो उसको बताती है कि वो लैब अर्थ पर नहीं बल्कि प्लान पर है जो कि वक्त के मुताबिक बार बार अपनी जगह तब्दील कर लेता है अब जो इनके पास प्लेन होता है वो स्क्रल का लीडर उस प्लेन में कुछ तब्दीलियां कर उसे प्लेनेट पर ले जाने के काबिल बना देता है अब ये सब के सब अर्थ से प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं और बहुत जल्द ये सब लोग लैब तक पहुंच जाते हैं अब जब सब लोग ये लैब में जाते हैं तो वहाँ पर ये एनर्जी सोर्स को देखते है जो की वहाँ पर मौजूद था अब सवाल ये उठता है की डॉक्टर लॉसन के पास ये एनर्जी सोर्स कैसे आया जबकि हमने अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था और अब हम यहाँ पर उन तीन लोगों को देखते हैं जिन्होंने शील्ड को बनाया था और जब शील्ड और नासा ने मिलकर एक नया प्रोग्राम बनाया था जिस प्रोजेक्ट का नाम था बेगजल्स उस प्रोग्राम में वो एनर्जीज को यूज करके मुख्तलिफ स्पीड इंजन को बनाना चाहते थे और जहाँ पर डॉक्टर लॉसन भी उनके साथ एक साइंटिस्ट थी वो वहाँ पर एक साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी वहीं पर वहाँ से उनको ये एनर्जी सोर्स मिला था और अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उस क्रल को जो कि डॉक्टर लॉसन की लैब में एक अजीब सी आवाज निकालता है और कुछ ही देर बाद उसकी फैमिली जो कि पिछले छह सालों से यहाँ पर रह रही थी वो सब लोग उसके सामने आ जाते हैं अब उस ट्रल की वाइफ उसको बताती है कि मार्वल ने हम लोगों को किसी भी तरह का सिग्नल देने के लिए तुम तक पहुंचने के लिए मना किया था और अगर हम ऐसा करते तो उस प्लेनेट के ग्री के लोग हम तक पहुंच जाते और अब यहाँ पर उस ग्री प्लेनेट का लीडर और उसकी आर्मी भी यहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर वो वियर्स को कैप्चर कर लेते हैं वो उसको कैप्चर करने के बाद उसकी सेंसेस को अपने सुप्रीम इंटेलिजेंस के पास भेज देते हैं अब यहाँ पर वियर्स को वो सुपर इंटेलिजेंस डॉक्टर मार्वल की शक्ल में नजर आती है अब वियर्स के गर्दन पर एक ऐसी डिवाइस को लगाया जाता है जिससे ग्री प्लान के लोग उसकी पावर को कंट्रोल कर लेते हैं अब वियर्स को ये बात पता चल जाती है और अब वो उस डिवाइस को अपनी गर्दन से निकाल कर फेंक देती है और जैसे ही वो उस डिवाइस को अपनी गर्दन से निकाल कर फेंकती है उसकी सारी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं और वेयर्स यहां पर बन जाती है कैप्टन मार्वल कैप्टन मार्वल बनने के बाद वो एक ही बार में उस ग्री प्लान के लोगों को अपने आप से दूर कर देती है और तभी वो वहाँ से इंजन सोर्स लेकर उस एजेंट के पास चली जाती है और उसको कहती है इसको लेकर तुम यहाँ से चले जाओ उस एजेंट के हाथ में डॉक्टर लॉसन यानी मार्वल की एक बिल्ली होती है दरअसल वो एक बिल्ली नहीं बल्कि वो एक एलियन है और वो बिल्ली उस इंजन सोर्स को निकल जाती है इसके बाद एजेंट और वो लड़की जो कि वेयर्स को अपना दोस्त बताती थी सभी स्क्रल्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और उस लैब को वहाँ पर तबाह कर देते हैं और एक ब्लास्ट कर देते हैं। अब उस प्लैनेट ग्रे का लीडर भी उस एनर्जी सोर्स को हासिल करना चाहता था और वो उसको हासिल करने के लिए अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उनका पीछा करता है अब कैप्टन मार्वल उसके फ्लाइंग जैक को पकड़ लेती है लेकिन वो ग्री लीडर उसको वहाँ से गिरा देता है इससे पहले वो अर्थ पर जाती वो अपने दिमाग को पूरी तरह से पुरसकून कर लेती है जिससे वियर्स यानी कैप्टन मार्वल अपनी उड़ने की पावर को जानती है इसके बाद वो उस लीडर के प्लेन को क्रैश कर देती है उसी तरफ हमें और फिर हमें अर्थ के दूसरी साइड पर दो तो लोगों को दिखाया जाता है जो कि ग्रे प्लेनेट से हैं। जब वो अपने लोगों को हारता हुआ देखते हैं। तो वो अर्थ की तरफ बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स फेंकता है लेकिन इन मिसाइल्स को कैप्टन मार्वल्स एक ही झटके में खत्म कर देती है और अब वो लोग जब उनकी पावर को देखते हैं तो कहते हैं कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए लेकिन हम वापस बदला लेने जरूर आएंगे इसके बाद कैप्टन मार्वल दोबारा अर्थ पर आती है जहाँ पर वही ग्री प्लान का लीडर होता है वो उसको उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बिठाती है कि वहाँ के सुप्रीम इंटेलिजेंस से कहना कि बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे प्लेनेट पर आ रही हूँ ताकि सब कुछ मैं वहाँ पर खत्म कर दूँ अब वहीं पर उस एजेंट को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बिल्ली होती है जिसने उस सोर्स पावर को निकल लिया था वो उसकी आँख पर अपना पंजा मारती है जिससे उसकी आँख जख्मी हो जाती है इसके बाद दिखाया जाता है की कैप्टन मार्वल उस एजेंट को उसका पेजर वापिस करती है और उसको बताती है की मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है अब मैं किसी भी प्लेनेट पर रहूं तो मुझे मैसेज भेज सकते हो पर मैसेज तभी भेजना जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो इसके बाद कैप्टन मार्वल स्क्रल्स के साथ उनके स्पेस शिप पर उनका नया घर ढूंढने के लिए अर्थ से निकल जाती है अब उस एजेंट को दिखाया जाता है कि जिसकी आंख पर बिल्ली ने पंजा मारा था अब वो अपनी आंख को वहाँ पर कवर कर, कर रखता है वो अपने साथी को कहता है कि हम लोगों को नहीं पता कि अर्थ पर और कौन कौन रहता है इस बार तो हमें कैप्टन मार्वल ने बचा लिया लेकिन हमें इसी तरह और भी बहुत सारे सुपर की जरूरत है हमें सुपर हीरोज की एक टीम बनानी होगी और एट द एंड हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो बिल्ली जिसने एनर्जी सोर्स को खा लिया था अब वो उस एजेंट के टेबल पर वो बिल्ली उस एनर्जी सोर्स को दोबारा वहाँ पर उगल देती है इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है आई होप सो आपने इस मूवी को एंजॉय किया होगा